विद्यार्थी जीवन की सभी महत्वपूर्ण खबरों में आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है। एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर की 132 पदों पर होगी भर्ती। इसी माह विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी है। कुल 24 विषयों में होनी थी भर्ती। और वहीं पर अगली खबर की बात करें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय में डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की 132 पदों पर भर्ती होगी। कॉलेज प्रशासन ने इसी माह भर्ती विज्ञापन जारी करने की तैयारी में। कुल 24 विषयों में ये भर्ती होनी है। पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। वहीं पर अगली खबर है आपकी स्क्रीन पर, सीजीएल 2021 की भर्ती परीक्षा स्किल टेस्ट में 4 और 5 जनवरी को, यानी कि कर्मचारी चयन आयोग की आगामी साल की शुरुआती माह में होने वाली परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया गया है। इसमें सीजीएल 2021 और सीजीएल 2021 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी व ग्रेड डी शामिल है। एसएससी की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार साल के शुरुआत में यानी कि 4 और 5 जनवरी को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2021 की, 6 जनवरी को कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा 2021 का स्किल टेस्ट होगा। 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच असम राइफल्स और राइफलमैन सेंट्रल आर्म्स पुलिस फोर्स की होगी। तो पूरी रिपोर्ट यहां स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रही। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी जारी हो चुकी है। आप जाके वेबसाइट पर देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये आपके स्क्रीन पर, पेंशन योजनाओं में बदलाव की गई है जिसमें सेवानिवृत्त पर मिलेगा ज़्यादा पैसा, यानी कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये की जा सकती है वेतन सीमा। और EPFO की रिपोर्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार ने जल्द ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में पेंशन योजना को वेतन सीमा बढ़ा सकती है। इससे कर्मचारियों और कंपनियों को अनिवार्य योगदान वृद्धि होगी। ये रिपोर्ट यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर की बात करें तो ये रैप स्क्रीन पर, और यहाँ पर बात किया जा रहा है माध्यमिक स्कूलों में शुरू होगा 1 वर्षीय स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अब स्किल डेवलपमेंट कोर्स ये क्या है ये जानते हैं। प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में 1 साल का स्किल डेवलपमेंट कोर्स शुरू किया जाएगा। इस कोर्स में विभिन्न ट्रेड के विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद उन्हें सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ट्रेनिंग के लिए कौशल विकास मिशन की मदद ली जाएगी और इस क्षेत्र में काम कर रही है संस्थाओं को आमंत्रित किया जाएगा। और इसी साल जो है 150 स्कूलों में इसे शुरू किया जाएगा। अगले 2,000 स्कूलों को इसे लॉन्च किया जाएगा। और महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद के मुताबिक केंद्र की ओर से तैयार पाठ्यक्रम के अनुसार इसे शामिल किया जाएगा। अगली खबर की बात करें तो ये रहे आपके स्क्रीन पर, और यहाँ पर बात किया जा रहा है BPSC में 55 पद हैं ड्रग इंस्पेक्टर के। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं। और HPPSC में 10 पद हैं सीनियर मेडिकल अफिसर के, अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहीं पर JIPMER में आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं 433 पदों पर। नर्सिंग अफिसर के पद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और पूरी रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। ये आपकी 1 दिसंबर तक डेट है। तो इस प्रकार आज की बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में भीमा चित्र टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपसे रिलेटेड हमेशा खबरें अपडेट की जाती है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।